रोहतक में अब राजनीतिक दल पिछड़ा वर्ग समाज को लुभाने में जुट गया है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग समाज से नायाब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, वहीं अब कांग्रेस पार्टी भी वर्ग समाज का महासम्मेलन 4 दिसंबर को रोहतक के ओल्ड ITI ग्राउंड में करने जा रही है। ये जानकारी रोहतक से विधायक भारत भूषण बत्रा एवं हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस व्हिप चीफ ने दी। भारत भूषण पत्र ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण क्रीमी लेयर को 6 लाख से 10 लाख रुपए बढ़ाने की मांग की है। यही नहीं, उन्होंने तो मौजूदा भाजपा सरकार को अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार करार दिया है। 4 दिसंबर 2023 ओल्ड ITI ग्राउंड के अंदर पिछड़ा वर्ग का महासम्मेलन होगा। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद सदस्य राज्यसभा होंगे और इसकी अध्यक्षता पिछड़े वर्ग के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक रामनिवास गुढ़ेला जी करेंगे। इसके अलावा सभी ये कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म के नीचे होगा, ये मैं स्पष्ट कर दूं कि जो लोग कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास करते हैं उन्हीं को हमने बुलाया है वहां पर। पिछड़ा वर्ग के सभी विधायक उसके उसमें विशेष आमंत्रित हैं, स्पेशल गेस्ट हैं और साथ में रोहतक जिला व सोनीपत जिला के जितने भी विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के उनको आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा इस सम्मेलन के अंदर पिछड़ा वर्ग के सारे प्रांत के सभी, चाहे वो BCA है चाहे BCB है, सभी पिछड़ा वर्ग का बैकवर्ड क्लासेस के सभी नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है, चाहे वो नारनौल से लेके पंचकुला तक जहां भी अपने वरिष्ठ साथी है उनको अंदर आमंत्रित किया गया है। वहीं विधायक भारत भूषण बत्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी का काम है। वो समाज के अधिकारों के लिए लड़ते हैं और इसी वजह से पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन बुलाया गया है। BJP इवेंट पार्टी और धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, जाति के राजनीति कर रहे हैं। आज तक BJP नहीं, आज दुनिया भर की फ्री बाइस दी जा रही है इसमें, आज तक कहाँ सोए हुए थे किस बात के लिए। नहीं, जाति की राजनीति BJP करती है, जो तो हम एक वर्ग और जमात की राजनीति कर रहे हैं, हम जाति की राजनीति नहीं कर रहे। ऐसी एक बड़ा बहुत बड़ा सेक्शन शेड्यूल कास्ट का है, बहुत बड़ा सेक्शन BC का है, हम उसको उनको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए सांसद ने और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के टाइम में लोगों को बहकाकर आप लोगों ने सांसद जी को कहो कि डोली का कानून पढ़ के आए। डोली के राइट्स किसने दिए थे, पूछो उन सांसद जी से कि डोली के राइट्स किसने दिए थे। इन्होंने तो डोलीदार और जो और है, जो जमीन पंचायत की थी और जो पाने की थी, जो उसमें गवर्नमेंट की जमीन थी, वो डोली की क्रिएट हुई और समय से क्रिएट हुई, जब पंचायत नहीं थी तब भी क्रिएट हुई, उसको भी खोज दिया इन्होंने। तो इन्होंने तो सिर्फ यही कहा ना कि वो बेच सकते हैं, पर उन ब्राह्मण्स को जो डोली की लैंड का मालिक बनाया वो किसने बनाया। सेल तो बड़ी बड़ी आज के कहते हैं जी कि हमने नोटिफिकेशन कर दी ये बेच सकते हैं इस बात पर, इनका मालिक किसने बनाया? मालिक न बनते तो बेचते कैसे। खट्टर सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है, इसे भ्रष्ट सरकार आज तक मैंने अपने राजनीति जीवन में, मेरी 70 साल की उम्र होगी और राजनीति में मेरे को 30-40 हो गए, राजनीति की विरासत के अंदर मिली, इसे ब्रिटिश सरकार हमने तो कभी नहीं। वहीं उन्होंने डोहली की जमीन को लेकर भाजपा सांसद अरविंद शर्मा को जवाब देते हुए कहा कि पहले सांसद महोदय डोहली की जमीन का ऑर्डर पढ़कर आए कि इस जमीन का मालिकाना हक किसने दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो इस जमीन को छीनने का काम किया है। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप तो कोई भी लगा सकता है,
लेकिन उनके राजनीतिक करियर में आज तक इतनी भ्रष्ट सरकार कभी नहीं आई है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।